नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की न्यू रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, प्लस एप्लीकेशन फ़ी जो है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब वीडियो को डिटेल में हम जहाँ पर देखेंगे। सो वीडियो को एंड तक बने रहना है। उससे पहले मैं चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, ताकि आप हर एक जॉब की अपडेट मिस ना कर पाएँ। टाइमली आपको जॉब अपडेट हम प्रोवाइड करवाते रहें। सो सबसे पहले इसके लिए मैं बता दूँ, जो ऑल इंडिया लेवल की जो जॉब रहने वाली है, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम जहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी उससे पहले आप जहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जहाँ पे ग्रुप वाइज वैकेंसीज आउट की गई हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे हम एक एक करके एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन के बारे में जो है शॉर्ट में जहाँ पे डिस्कस करते हैं, नहीं तो जहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सो सीधे शॉर्ट पे हम बात करते हैं जहाँ पे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बता दूँ जहाँ पे जो पोस्ट का नेम क्या है, जहाँ पे है एयरबिंग एंड इंजीनियरिंग का सेटअप है, जिसमें टोटल 82 पोस्टेज रखी गई हैं, ठीक है। और उसके बारे में मैं बता दूँ, ये जो ऑनलाइन मोड पे रहने वाले हैं, यानी कि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। इसकी जो साइट का लिंक मैं आपको सीधा बता देता हूँ, इसकी साइट क्या है, BSF.gov.in करके आप इसकी साइट पर विज़िट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बताएं हम, उसके बाद मैं बता दूँ एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, तो एप्लीकेशन फ़ी जो जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ रखी गई है, SC और ST कैटेगरी वाले और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यानी कि कोई भी फीस नहीं रखी गई है, ठीक है। देन उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जहाँ पर जो असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक में ऑपरेटरी विंग में जहाँ पर एक पोस्ट रखी गई है, और जो इंस्ट्रक्शन रेडियो रेडर में 5 रखी गई हैं, फिक्स्ड विंग में 1 रखी गई हैं, इस तरीके से आप जहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज देख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो डेट के बारे में बता दूँ, जो इसके फॉर्म लगना आपके स्टार्ट होंगे, यानी कि 16 मार्च 2024 से, और लास्ट डेट 15 अप्रैल 2024 को इसकी रखी गई है, ठीक है। जो डेट आप ध्यान से देख सकते हैं। अब एज लिमिट की बात करूँ तो असिस्टेंट मैकेनिक के लिए, यानी कि असिस्टेंट SI के लिए 20 ईयर एज मैक्सिमम रखी गई है, और जो असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए भी 20 ईयर रखी गई है। कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए 20 to 25 के बीच में रखी गई है, और SFR के लिए 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट की मैं जहाँ पर आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सीधा ले चलते हैं आप लोगों को इसके लिए जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट के लिए आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इसके साथ है। और उसके बाद जो असिस्टेंट रेडियो की बात करूँ, इसमें भी आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि जो हाई लेवल की रिक्रूटमेंट है, आपके पास डिप्लोमा है तो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो डिप्लोमा किसका होना चाहिए, टेली कम्युनिकेशन का, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो देखते हैं कांस्टेबल के लिए, इसमें आपकी 10th पास होना चाहिए विद साइंस, लेकिन साइंस का आपको पता है सबका 10th में तो सबका होता है, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ साथ आप लोगों का 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि स्टोर में, वर्क हाउस, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में, इसका आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, और साथ में आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सो ये एक अच्छी रिक्रूटमेंट है कांस्टेबल की, अगर आपके आपने 10th पास किया है, साथ में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद SI इंस्पेक्टर की बात करूँ, इसमें आपका 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया सिविल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट भी आप जहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक इंजीनियर का डिप्लोमा मांगा गया है। SC प्लम्बर के लिए आपकी 10th पास होना चाहिए, साथ में आपका प्लम्बरिंग का मतलब के डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि ITI होना चाहिए। तो ये ITI वालों लोगों के लिए अच्छा मौका है। मैं ये भी बता दूँ, ITI इस टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी मैक्सिमम वैकेंसीज जहाँ पर आउट होती हैं, तो उसमें ITI ज़्यादातर रिक्रूटमेंट में मांगी ही होती है। अब जहाँ पर नेक्स्ट पे हम देखते हैं जो SC कारपेंटर के लिए, इसमें भी आपको 10th पास, साथ में ITI होना चाहिए कारपेंटर में, ठीक है। कांस्टेबल जनरेटर की बात करें, जनरेटर अपलोड करेंगे, उसमें भी आपके 10th पास होना चाहिए और साथ में आपकी ITI, यानी कि ITI हर जहाँ पे सब के लिए ज़रूरी है। कोई भी बिना ITI के जहाँ पे रिक्रूटर जहाँ पे कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं रहने वाली है। ये मैं सब कुछ जहाँ पे आप लोगों को बता दिया, अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट में मेरे को सब कुछ बताएं, अगर जो भी आपको डिटेल में जानना चाहिए होगी, जो कुछ आपको कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। जय हिंद।